देखिए हम लोग अभी क्लास के अंदर पढ़ लेते हैं 1857 ईस्वी की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेगा। और ये 1857 का जो क्रांति है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को देने के लिए जाइए जिसमें कि हिस्ट्री पार्ट पूछा जाता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा, निश्चित रूप से। इसलिए इसको पूरे डिटेल गहराई के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो 1857 ईस्वी की क्रांति की बात कर लें तो 1857 ईस्वी की क्रांति ये देश में स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी की क्रांति। और ये जान लीजिए 1857 ईस्वी की स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो ये ध्यान रखिएगा, बी डी सावरकर ने ही स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई 1857 ईस्वी की क्रांति को कहा था। बी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर ने ही 1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कहा था। 1857 ईस्वी की क्रांति कब शुरू हुई, 10 मई को शुरू हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी की क्रांति शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ, मेरठ से। ये मेरठ वर्तमान समय में कहां पर है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। मेरठ कहां पर है, उत्तर प्रदेश का एक जिला है मेरठ, जनपद है मेरठ। और इसी मेरठ से 10 मई 1857 ईस्वी को 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किया गया। मेरठ में भी एक बैरकपुर छावनी हुआ करता था, बैरकपुर छावनी से ही शुरू हुआ है। 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तत्कालिक कारण जो था वो चर्बी वाले कारतूस की घटना। ये चर्बी वाले कारतूस की घटना क्या होता है, समझिएगा कि इसी समय भारत के अंदर एक नया राइफल आया था और इस राइफल का नाम था एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे, उस कारतूस को लगाने के पहले मुंह से छिलना पड़ता था। और अंग्रेजों ने यह अफवाह भारत में फैला दिया, इस कारतूस में जो प्रयोग किया गया है, गाय और सुअर का चर्बी मिलाया गया है। ये जो अफवाह फैल गया, इसी के विरोध में, इसी का ये तत्कालिक कारण वाला बना चर्बी वाले कारतूस की घटना। इसी को क्या कहा जाता है, चर्बी वाले कारतूस की। इसलिए अफवाह फैला दिया, इस कारतूस का ना तो हिंदू यूज करे ना तो मुस्लिम यूज करे, और ये कारतूस बेकार वेस्ट हो जाए। इसलिए अंग्रेजों ने ये चीज अफवाह फैला दिया था, ये रियलिटी नहीं था। तो ध्यान रखिएगा, चर्बी वाले कारतूस की घटना 1857 ईस्वी की क्रांति का तत्कालिक कारण था। क्लियर है। अच्छा बात कर लेते हैं, 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम क्या था, सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम क्या था, सिपाही विद्रोह। 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम सिपाही विद्रोह ये इसलिए पड़ा क्योंकि इस विद्रोह की शुरुआत एक सिपाही जो कि मंगल पांडे नामक एक सिपाही था, इसी के द्वारा ये शुरू किया गया था। इसलिए इसको 1857 ईस्वी की क्रांति का दूसरा नाम क्या है, सिपाही विद्रोह। मंगल पांडे नामक सिपाही, 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किसने किया, मंगल पांडे नामक एक सिपाही ने। और ये जो सिपाही हुआ करते थे, 24वीं बटालियन का एक सिपाही था, 24वीं बटालियन का एक सिपाही था मंगल पांडे। और इसी के द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत किया गया था। और इसमें बंदूक जो आया था, उस बंदूक का क्या नाम था, एनफील्ड राइफल, जिसी में एनफील्ड, इसी में कारतूस जो लगता था, कारतूस में चर्बी मिलाया गया था, ऐसा माना जाता है, ऐसा अफवाह फैलाया गया था। भारत के गवर्नर जनरल 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामिस्टन थे। ये भी कई बार पूछा गया है, 1857 ईस्वी की क्रांति जिस समय भारत में हो रहा था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, पामिस्टन, याद रहेगा। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पामिस्टन। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, सिंबल जो बनाया गया था, वो कमल और चपाती। 1857 ईस्वी की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था, सिंबल बनाया गया था, वो क्या, कमल और चपाती। और भी इसमें क्वेश्चन बनेगा, उसको भी देख लेते हैं। देखिए 1857 की क्रांति, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय में भारत का मुगल बादशाह कौन था, 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था।
1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और बहादुर शाह जफर द्वितीय ये भारत का अंतिम मुगल बादशाह भी था। भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय। अब देख लेते हैं कि 1857 ईस्वी का प्रमुख केंद्र, कि 1857 ईस्वी का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नेतृत्व किस नेताओं ने किया था। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले दिल्ली, 1857 ईस्वी की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान ने। 1857 ईस्वी की क्रांति में दिल्ली का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर द्वितीय और बख्त खान। 1857 में की क्रांति को लखनऊ का नेतृत्व जो किया था बेगम हजरत महल। लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल। झांसी की बात कर ले, झांसी ये झांसी का नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था? वाराणसी में जन्म हुआ था। इसी का एक और नाम है मनु मणिकर्णिका या छबीली, ये अन्य नाम किसका है? रानी लक्ष्मीबाई। और उनका शादी हुआ था झांसी के राजकुमार से। और रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल ग्वालियर के अंदर है। कहां पर है? ग्वालियर। इस तरह से 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। कानपुर से नेतृत्व किया था नाना साहेब और तांतिया टोपे ने। कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब और तांतिया टोपे। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। 1857 की क्रांति में इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली। और फैजाबाद की बात करें, फैजाबाद का नेतृत्व 1857 में किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला ने। फैजाबाद का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला ने। जगदेशपुर, सुनो ध्यान से, जगदेशपुर की बात करें, जगदेशपुर की बात करें, बिहार की बात करें, पटना की बात करें, आरा की बात करें, बक्सर की बात करें, यानी ऑल ओवर बिहार की बात करें, बिहार के ही अंदर है जगदेशपुर। तो अगर बिहार में कहीं भी पूछ दे कि जगदेशपुर, पटना, आरा, बिहार, तो यहां से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि वीर कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व कहां से किया है, और उसमें ऑप्शन डाला था बिहार। तो आंसर क्या करना पड़ा हमको? बिहार। अगर ऑप्शन डाल देगा जगदेशपुर तो जगदेशपुर आंसर करेंगे, वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर बरेली की बात करें तो बरेली का नेतृत्व किसने किया था? खान बहादुर खान ने। 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान। और फतेहपुर का जो नेतृत्व किया था अजीमुल्ला खान ने। फतेहपुर का नेतृत्व किसने किया? अजीमुल्ला खान। और भी इससे संबंधित कुछ प्रश्न बनेगा, उसको देख लेते हैं। ठीक है, आगे में देखो इसमें और भी प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद, 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारतीय सेना को संगठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारतीय सेना को संगठित करने के लिए एक आयोग बनाया गया, और इस आयोग का नाम पड़ा पील आयोग। पील आयोग के द्वारा ही 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद भारतीय सेना को फिर से एक बार संगठित किया गया था। किसके द्वारा? पील आयोग के द्वारा। 1857 ईस्वी की क्रांति को किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? यह भी प्रश्न पूछा जाता है, आंसर कीजिएगा मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय, क्रांति के बाद इसको किस उर्दू कवि ने अपनी आंखों से देखा था? तो मिर्जा गालिब आंसर कीजिएगा। उर्दू कवि कहिए या शायर कहिए, क्या आंसर करेंगे? मिर्जा गालिब। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों को किस घराने ने सहायता किया था? किस राजवंश ने सहायता किया था अंग्रेजों को? एक तरफ में भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ाई हो रही थी। दूसरी तरफ में अंग्रेजों को साथ देने के लिए भारत का ही एक परिवार था, उस परिवार का नाम था ग्वालियर का सिंधिया परिवार। ग्वालियर का सिंधिया परिवार ने 1857 की क्रांति में के समय अंग्रेजों को सहायता कर रहा था। किसको सहायता कर रहा था उसमें? अंग्रेजों को, भारतीयों को नहीं, अंग्रेजों को सहायता कर रहा था ग्वालियर की सिंधिया परिवार ने। आगे आएगा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये एक पुस्तक है, पुस्तक का नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना किसने किया है? तो ध्यान रखिएगा, विनायक दामोदर सावरकर ने। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक की रचना विनायक दामोदर सावरकर। और इसी विनायक दामोदर सावरकर ने
1857 ईस्वी की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम की पहली लड़ाई कही और इसी समय एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखा जिसका नाम है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, है ना। और अगर बात कर ले 1857 ईस्वी की क्रांति में सरकारी इतिहासकार उस समय कौन थे, तो ध्यान रखिएगा NN Sen। NN Sen उस समय 1857 ईस्वी की क्रांति के समय सरकारी इतिहासकार थे। तो इस तरह से हम आप लोगों को 1857 ईस्वी से क्रांति से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम के व्यू से उसको बताने का प्रयास किया। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, धन्यवाद। देखिए नाबार्ड के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर किसानों के लिए एक बैंक की शुरुआत किया गया जिसको नाबार्ड के नाम से जानते हैं। ये कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की बात करें, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया है। कब किया गया है? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना किया गया। नाबार्ड कृषि का किसानों के लिए एक प्रकार का बैंक है। अच्छा, स्थापना जो किया गया तो किस समिति के सिफारिश पे, ध्यान रखिएगा, शिवरमन समिति के सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना किया गया है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर, यह भी ध्यान रख लीजिएगा, मुंबई के अंदर नाबार्ड का इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान समय में इसके हेड कौन है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, गोविंद चिंतालू वर्तमान समय में नाबार्ड का हेड है। नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, किसानों को एक प्रकार का बैंक है नाबार्ड। और इसकी स्थापना कब की गई? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना किया गया। इसका स्थापना जो किया गया था किस समिति के सिफारिश पर, शिवरमन समिति के सिफारिश पर इसका स्थापना किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके वर्तमान समय में हेड कौन है, तो ध्यान रख लीजिएगा, गोविंद चिंतालू वर्तमान समय में इसके हेड हैं। तो इस तरह से हम आप लोगों को नाबार्ड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए।